नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हमारी मुलाकात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से हुई है, तो आइए हम देखते हैं कि इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा। केसीआर सरकार ये कहती है कि तेलंगाना जो है रोल मॉडल है दूसरे राज्यों के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? तेलंगाना केवल भ्रष्टाचार का रोल मॉडल है। जिस प्रकार से लगातार फैमिली राज तेलंगाना में चला है और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, मैं नहीं मानता कि रोल मॉडल बन सकता है। तो तेलंगाना में बीजेपी कितनी मजबूत है, आप किस तरह देखते हैं यहाँ की स्थिति? मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार लोगों ने मन बनाया है मोदी जी के साथ जाने का और बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी जो है तेलंगाना में बीसीसीएम का वादा कर रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, तेलंगाना में बहुत बड़े पैमाने पर सारी बीसी कम्युनिटी है और उनको कभी मौका नहीं मिला है, और भारतीय जनता पार्टी जो वंचित रहे उनको मौका देना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है और हम बीसीसीएम बनाएंगे। तो आपको हम कब मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखेंगे? उसको समय अभी। अच्छा ठीक, एक आखिरी सवाल की गढ़चिरौली के विकास के लिए सरकार और क्या कदम उठा रही है? वहाँ तो बहुत चीज़ें हो रही है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, आज स्टील प्लांट तैयार हुआ है, नई इन्वेस्टमेंट वहाँ आ रही है, गढ़चिरौली बहुत बड़े पैमाने पर बदल रहा है। धन्यवाद।